तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो गाइस, आज की वीडियोस में मैं बताने वाला हूँ कि मोबाइल में कीबोर्ड माउस लगाकर कैसे गेम प्ले करते हैं। और यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो कि मैं गेम प्ले कर पा रहा हूँ एकदम इजी। तो कैसे ऐसे गेम प्ले करते हैं और क्या क्या चीज़ लगते हैं, ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ फुल वॉच करिएगा ये वीडियो, और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। तो क्या क्या लगने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मोबाइल में गेम प्ले करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को कीबोर्ड माउस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास ये वाला माउस है, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर वन हैंड वाला यहाँ पर मेरे पास कीबोर्ड है। देख सकते हो कुछ गेमिंग टाइप का है ये है, और यहाँ पे RGB मेरा दोनों है। तो आप अगर अब फर्स्ट टाइम खेलना चाहते हो तो थोड़ा सस्ता वाला लेना, ठीक है, जो 500-600 रुपए में पूरी चीज हो जाना चाहिए। तो गाइज वैसे उस तरह का ले लेना। और गाइज यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास कीबोर्ड माउस हो चुका है, और इसके बाद क्या लगने वाला है, तो उसके बाद आप लोगों को देख सकते हो ये दोनों पिन को लगाने के लिए एक हमारे USB हब के लगेगा। तो यहाँ पर मैं पहले से ही खरीद कर रख लिया हूँ, अपने मैं गेम प्ले करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर USB हब केबल है मेरे पास, कुछ इस तरीके का। यहाँ पर गाइस देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, और ये दोनों पिन है ना, इसमें लग जाएगा। और यहाँ पर जो इसका एक मेन सिरा है, दिखाता हूँ गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा कीबोर्ड माउस यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर जो उसका USB हब का मेन पॉइंट है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट मोबाइल में तो लगा नहीं पाएंगे क्योंकि ये टाइप सी है और ये वाला USB है। तो इसके लिए लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले एक OTG, आपके अपने मोबाइल के हिसाब से ले लेना। मेरे में टाइप सी यूज़ होता है तो मैं टाइप सी यूज़ कर रहा हूँ, आप में अगर अदर कनेक्ट होता हो तो दूसरा ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो हो गया, तो इसको इसमें लगा लेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सिंपली मोबाइल में जुड़ना है और गेम प्ले करना है। और क्या क्या चीज़ लगेगा मैं बताता हूँ। तो मेरे पास एक ऑलरेडी स्टैंड है, तो मैं स्टैंड रख लेता हूँ। लेकिन गाइस आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हो तो शुरुआत करो कि आप अपने कुछ देसी जुगाड़ से हो जाना चाहिए उसमें, तो सही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग मतलब कोशिश करना कि कुछ ऐसा जुगाड़ लगा लो कि घर में ही वो चीज़ हो जाना चाहिए। और यहाँ पर गाइस आप लोगों को मैं दिखा दूं कि मैं पंडा माउस प्रो से यहाँ पर गेम प्ले करने वाला हूँ। गाइस देख सकते हो यहाँ पर पंडा माउस प्रो मेरा एक्टिव भी है। तो यहाँ पर चलिए, अब मैं पंडा माउस प्रो मैं खोल लिया, डायरेक्टली यहाँ पे फ्री फायर पे क्लिक करना है, स्किप कर देना है, फिर यहाँ पे स्किप करना है और डायरेक्ट गेम में आ जाएंगे। मैं ऑलरेडी गेम में था गाइस, देख सकते हो यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से हम ले लेंगे, मैं बाहर निकल के पूरा चीज़ बता देता हूँ कैसे है क्या। गाइस यहाँ पर अगर आप लोगों को पंडा माउस प्रो एक्टिव करने में कोई दिक्कत आए, या फिर आप लोगों को की मैपिंग करने में कोई दिक्कत आए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए हर रोज ऐसी वीडियो पहुंचाते रहूं, हर एक दो दिन पे ऐसी वीडियो मैं पहुंचाता रहूं, ठीक है गाइस। तो गाइस यहां पर देख सकते हो जैसे यूएसबी हब केबल लगाया, तो यहां पर मेरे कीबोर्ड माउस कनेक्ट हो चुका है मोबाइल में, और इस कीबोर्ड माउस में लाइट भी आ चुका है, देख सकते हो आप। और गाइस यहां पर देख सकते हो मैंने F4 दबाने से, एक बार दबाऊंगा तो यहां पर 14-15 बार इमोट लगता है, देख सकते हो गाइस, ये कुछ इस तरीके से लगता है। तो कुछ इस तरीके से आप की मैपिंग भी कर पाओगे यदि हमारी वीडियो आप देखते ही रहोगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए अब लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं गेम प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से गेम प्ले होता है। तो सबसे पहले मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में यहाँ पर ये जाने वाला हूँ, तो देख सकते हो ये स्टार्ट मैंने कर दिया, और किस टाइप से होता है गेम प्ले यहाँ पर दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिविटी मिलता है, सेंसिविटी आपको जितना चाहिए उतना कर सकते हो। यहाँ पे जो पंडा माउस प्रो का साइड में लोगों को दिखता रहता है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो हुआ ना, तो ये बटन का हो गया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, वो बटन का हो गया। तो मैं बटन को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखना चाहिए। और ये जो आप लोगों को लेवल दिख रहा है ना, ये सेंसिविटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस सेंसिविटी को हमेशा कम ही रखकर रखता हूँ, तो अभी यहाँ पर देख सकते हो 27 रख लिया। और ये भी कुछ स्विच वगैरह का है, तो माउस के स्विच वगैरह का है, तो मैं माउस का स्पीड भी थोड़ा इसे कम रखता हूँ, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं हाइड कर देता हूँ, उसके बाद गेम प्ले करके दिखाता हूँ गाइस। देख सकते हो यहाँ पे गेम प्ले कुछ बहुत अच्छी गेम प्ले गाइस, आप लोगों को प्रेस टिक करना होगा, उसके बाद आप लोग हेड ही हेड मारोगे। देख सकते हो यहाँ पे हेड की लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप खुद ही स्क्रीन पे दिख रहे हो। बहुत इजी पीजी खेला था गाइस यहाँ पे, कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग प्रेस टिक करना होगा, शुरू में आप लोगों का हेड नहीं लगेगा, मेरा भी नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रेस टिक करते जाओगे तो यहाँ पर हेड लगते जाएगा, ठीक है गाइस। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छी गेम प्ले हो पा रही है।
तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप काफी अच्छी एकदम स्मूथनेस तरीके से यहाँ पे गेम प्ले हो पा रहा है। तो अब भी कर पाओगे यदि आप सोच रहे हो कि एक पीसी बिल्ड करवा लूँ, तो पीसी मत खरीदो। मैं तो कहूँगा शुरू में पहले मोबाइल में सीख लो, उसके बाद आप लोग पीसी में जाओ, ठीक है। और यहाँ पे एक बार पंडा माउस प्रो आप प्ले स्टोर से बाय कर लेते हो तो वो आप हमेशा के लिए वो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वो तो कोई ऐसा लटारम वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस एकदम स्मूथनेस है गाइस, देख सकते हो हेड भी लग रहा है, ठीक है। तो गाइस यदि आप भी आगे इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज गाइस एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को पास गाइस वीडियो को शेयर कर दो ताकि हमारे भी चैनल आगे से ग्रो करे। तो गाइस प्लीज भाई के लिए इतना कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।